स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग आज के क्लास में ज्योग्राफी यानी भूगोल को पढ़ने वाले हैं। शुरू करने से पहले महाधमाका ऑफर के बारे में जानकारी दे दें आपको। महाधमाका ऑफर चल रहा है पारा मेडिकल के नोट्स पर। आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी। नोट्स की विशेषता, सभी विषयों का नोट्स रहेगा। समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, समान हिंदी और इंग्लिश। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है। इस नोट्स को लेने के बाद आपकी सिलेक्शन की पूरी पूरी गारंटी है। तो जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स ले लीजिएगा। जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं ले लीजिएगा। 99 रुपया लगेगा, यानी 99 रुपया लगेगा। चलिए, कॉल अगर कॉन्टेक्ट करना है, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं मेरे रसगुल्लू। चलिए, फर्स्ट प्रश्न है हमारा भूगोल सामान्य ज्ञान का। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है बताइए। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है बताइए। सही जवाब हो जाएगा हिकैटियस। याद रखिएगा, हिकैटियस को हम लोग भूगोल का जनक कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताओ मेरे रसगुल्ला शेर शेरनी हो, बता दो। भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही जवाब ऑप्शन डी, याद रखिएगा, इरेटोस्थनीज ने। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्ल रिटर को। याद रखिएगा मेरे छेने मेरे बर्फियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए, सब देखिए, 20 मार्क्स का आपका सामान्य ज्ञान से पूछा जाता है। उसमें करीब करीब मैंने आपका सभी कंप्लीट करवा दिया है भाई सामान्य ज्ञान से। देखिए, सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है, और PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर ज्योग्राफी का भी 300 मोस्ट VVI प्रश्न दिया गया है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। भारतीय इतिहास हमारा खत्म हो गया, आधुनिक विश्व का इतिहास अभी बच रहा है, भूगोल खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में। भारतीय राज्य व्यवस्था पूरी तरह से खत्म, भारतीय अर्थव्यवस्था भी खत्म। समान विज्ञान अभी चलेगा कुछ दिन, कंप्यूटर एक दिन चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर से भी प्रश्न उठते हैं, तो कंप्यूटर एक दिन चलेगा और कुछ करंट चलेगा, बाकी ये खत्म। यानी कि 8 से 10 दिन में आपका समान ज्ञान खत्म हो जाएगा, जहां से 20×5 यानी 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप लोग जितना दे रहे हैं PDF, उसको रखने के लिए नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या किसी को शेयर करने के लिए नहीं दे रहे, आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं। तो याद करिए सभी PDF को ना, कि देखिए, ठीक है, देखिएगा तो फिर देखते रह जाइएगा, ठीक है, इसलिए याद करिए जितना PDF दिए हैं। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा भूगोल को, और हिंदी में करीब करीब हमारा आधा से ज्यादा कोर्स खत्म हो गया है। इंग्लिश बच रहा है, इंग्लिश को 10 दिन में फिनिश कर देंगे, कल से शुरू हो जाएगा हमारा इंग्लिश। बिल्कुल भाई, आप लोग सही सुने हैं, कल से इंग्लिश शुरू हो जाएगा। चलिए, भूगोल को मानव परिस्थितिक के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? नोट्स का होगा। हेलो, ठीक है, 5 मिनट वेट कर लीजिए, अभी क्लास ले रहे हैं, उसके बाद भेज देंगे आपको, ठीक है। चलिए, नोट्स लेने में देरी मत करिए, देख रहे हैं कितने लोग नोट्स ले रहे हैं, इसलिए हमारी लड़कियां पीछे रह जाते हैं। बहन लोग से बोलते हैं आप लोग नोट्स लीजिए। चलिए, 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, HH वायरोजा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखिएगा, पेसल। चलिए मेरे रसगुल्लो, चलिए अब एक वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है, एक वीडियो प्ले होगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। जो लोग भी नोट्स नहीं लिए हैं ले लीजिएगा, ठीक है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है बताइए, वीडियो बाद में प्ले करेंगे, है ना, पेसल्स को याद रखिएगा, पेसल को। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है मेरे रसगुल्लो, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था बताइए। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? सही जवाब ऑप्शन ए, वारेनियस ने। याद रखिएगा, जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो से नहीं सकता, वो भी क्या दिन थे यार, तुम्हें देखकर सारी यादा ताजा हो गई, तुम्हारे गले की खनक और पायल की आयत की छनक पूरा मोहल्ला गूंज उठा था, दिल लगा भी लिया था, इश्क कर भी लिया था, चांदनी रात में हमने
तारों गिन लिया था कितना तारा था, पर तुम फिर कॉल में नहीं उठाई हमारा, तब फोन नहीं की, हम बताए नहीं ना, तो हम तो तारा गिन के रख ले है ये थे, है ना भाई, आज भी गिन के रखे हुए हैं। चलिए सिक्स का सही जवाब हो जाएगा वर्नियस। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? वर्नियस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नोट्स ले लो भाई, जो लोग नोट्स नहीं लिए वो सफलता की गारंटी है, सिलेक्शन की गारंटी है भाई नोट्स लेने के बाद, तो चलिए नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? बताइए सौर मंडल के बारे में, है ना, हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉपरनिक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड का क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? बताइए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रह ग्रह ग्रह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, भूगोल भूतल का अध्ययन ऐसा किसने कहा है? भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा है? सही जवाब है कांट। याद रखिएगा कांट, आप लोगों को 300 मोस्ट वीवीआई प्रश्न मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन से, वहां से सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही डाला जा चुका है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ये लड़की को देख रहे ना, व्हाट्सएप चला रही है, क्या चला रही है, व्हाट्सएप चला रही है, और व्हाट्सएप पर क्या कर रही है, हमारे नोट्स का अध्ययन कर रही है। इसलिए मेरे रसगुल्लो मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करिए, वहां पे प्रतिदिन नोट्स मिलेगा और आप भी इस लड़की की तरह बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग सभी लोग ज्वाइन करके रखिए, ठीक है, वहां पे प्रतिदिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मिलता है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भूगोल भूतल का अध्ययन ऐसा किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन सी कांट। ये हो गया प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? चलिए सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है, याद रखिएगा 8 ग्रह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? बताइए किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी उपग्रह। याद रखिएगा उपग्रह न चैन से जीने देगी न चैन से मरने देगी, न चैन से जीने देगी न चैन से मरने देगी, आज चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। क्यों नहीं करने देगी भाई, ये तो गलत बात है, प्यार आपको करने देगा, धरती पर ही आप करिए, आपको तारा उरा में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप यहीं पर प्यार करिए, खाली हमारा शर्त है कि आप शादी कर लीजिए, ठीक है, फिर जितना मन उतना प्यार करिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए 12 नंबर प्रश्न है हमारा, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? बताइए ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा केपलर, याद रखिएगा केपलर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13 नंबर, नॉर्वे में अर्धरात्रि, समझिएगा नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई, 21 मार्च को। बताइए सही जवाब है ऑप्शन बी 21 जून को, याद रखिएगा 21 जून के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे रसगुल्ला, मेरा छेना, मेरा बर्फी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शेरनी हो, सौर मंडल की खोज किसने की? बताइए सौर मंडल की खोज किसने की? सही जवाब है ऑप्शन ए कॉपरनिक्स ने, ऊपर भी बताए थे आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अगे मैया, इतना सारा गर्मी लग रहा है, एकदम पसीना से भींग चुके हैं, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या पढ़ा दिया जाए? बिल्कुल पढ़ा दिया जाए। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा सूर्य को। चलिए तो आज हम लोगों ने 15 प्रश्न को कर लिया है, 16 प्रश्न थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। बाय।